देखिए, हमारे तो एक योजना है कि हम 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत भारी योजना हमारी है और इसका इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आज की बात नहीं है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा एक मिशन प्रोजेक्ट है और मिस गोपीनाथ जो हमारी सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ भी हैं, वो आपको बताएंगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और हम ये भी साथ साथ में प्रयास कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस एक बैंक बन, पोस्ट ऑफिस को बैंक का स्टेटस मिल जाए। इंश्योरेंस सेक्टर, मनरेगा की स्कीम जो चल रही है, वो सारा पैसा तो काफ़ी हद तक पैसा पोस्ट ऑफिस के द्वारा जा रहा है आज के दिन भी, बट सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। जो हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, वो कौन असली तरीके से लागू करेगा? हमारा डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि हर गांव में पोस्ट ऑफिस है, हर गांव में ब्रांच तो हो नहीं सकता, बैंक का ब्रांच नहीं हो सकता। अगर पोस्ट ऑफिस बैंक बन जाए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लागू हो जाए पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो सारा बेनिफिट और ट्रांसफर नागरिक तक पहुंचेगा। तो ये बहुत भारी परिवर्तन आने वाला है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। और मैं खास तौर पे हमने अपने कर्मचारियों को और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ कि उनकी सोच आधुनिक तरीके से, कि हिंदुस्तान विश्व जैसे पोस्ट ऑफिसेज जहाँ हैं, वैसे ही हमारी भी सुविधाएं हमारी जनता को मिले।